नमस्ते त्रिखा जी। नमस्ते नमस्ते अदिति जी, नमस्ते। आपसे पहली बार मुलाकात भी हुई तो वर्चुअल हुई। वर्चुअल हुई, बताइए। ये समय आ गया है, बहुत ये आ गई है किताब। ठीक है, अच्छे। जी, बहुत कुछ सुंदर। एडवांस कॉपीज हार्ड बैक की आई हैं, अच्छा, अभी दो तीन ही आई हैं, बिकॉज मुझे अप्रूवल्स के लिए मैंने मांगा था। हाँ, तो लोग बाग पूछ भी रहे थे कि भई आपको, हमें वो किताब चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, अभी आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, नहीं इट इज वेल प्रेजेंटेड, बहुत अच्छी। इसका गेटअप बहुत सुंदर है। आपकी टीम ने थैंक अच्छा काम किया, यू थैंक यू। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हेलो और हेलो हेलो सर, नमस्कार। हेलो, नमस्ते नमस्ते हाँ सर, मैं एडवांस स्टडीज। नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्कार, दिखाई पड़ रहा हूँ क्या मैं? नहीं, हाँ दिखाई। अरे बहुत अच्छे से सर आपको हमारी इमेज दिखाई दे रही है ये? जी, ठीक है, मुझे ये कंफर्म करना था कि ये इमेज दिख रही है ना किताब की? नहीं किताब की इमेज नहीं दिखाई दे रही है अभी। नहीं वो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, वो ग्रे ब्लैंक स्क्रीन है। अच्छा ठीक है, मैं ये चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे एक बार फिर से पूछूंगा। अगर
हाँ सर, आज हार्ड कॉपी आई है, एडवांस कॉपी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत सुपर। जी अंदर से ऐसी दिख रही है। देखिए अरे वाह। सर, प्रणाम करता हूँ आपको। अरे नहीं, अच्छी। हाड़ा सर, आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। अदिति जी जी आपको तो भेज ही देंगी, अरे पर भेजेंगी कैसे, कुछ दिल्ली से बाहर जा ही नहीं रहा तो कैसे भेजेंगी। समय नहीं, आज थोड़ा रिलैक्स है सर, कोई स्टेट्स नहीं है आज, थोड़ा बंदोबस्त रिलैक्स। तो आज पार्सल फिर से जा रहे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, No, it is not visible, only this thing is visible. I mean, सिस्टम स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड नाउ। आपकी सिस्टम की स्क्रीन शेयर हो गई है। ना सर, इसको हेलो भैया, अब दिखाई दे रहा है। अब किताब का वो दिखाई दे रहा है, मजमून कवर दे। अग्रवाल साहब, नमस्ते। अब बोलिए। अब नमस्कार अभी 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 चेक कर दो।
हाँ कैंची से काट लेंगे। रिकॉर्डिंग पे भी लगाई दूंगा। प्रदीप जी जॉइन कर सके हैं? हाँ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी ओ बहुत बढ़िया, तो बैठ के किया जाए या कैसे करें? आप यहाँ आ जाओ, मैं खड़े हो जाता हूँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी है। गुड आफ्टरनून मकरम। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, कैन यू सी मी? या यू आर देयर विद आई एम देयर, सो आर यू एंड सो इज आदित्य जी, वंडरफुल टू सी एवरीबॉडी। या नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। तो शुरू किया जाए हरा सर जी। जी तो मित्रों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्थान से जुड़े दो अध्येताओं की किताबें आज आ रही हैं। एक तो मौजूदा अध्येता जी माधव हरा साहब की किताब है। किताब अगर हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन अदिति जी थोड़ी सी हाँ ठीक है ठीक है।
मैं सोच रहा था विमोचन हम कैसे करें फिर। हाँ प्लीज आप प्लीज प्रोजेक्ट करके किताब सबको दिखा दीजिए जो। हाँ सबसे पहले प्लीज प्लीज हम वहां से शुरू करते हैं और किताब के लेखक माधव हाड़ा साहब है और इसके अनुवादक जो है वो प्रदीप त्रिपाठी। अच्छा दूसरी भी देख लेती है। ट्रांसलेटर आफ्टरवर्ड लिखा है और किताब भी मैं पढ़ना पूरी नहीं पढ़ पाया हालांकि मैंने ब्लॉग तो वैसे ही लिख दिया बट बहुत बढ़िया किताब है। मैं ये कहना चाहता हूँ दो तीन चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम मीराबाई के बारे में सोचते हैं तो जो मन में छवि उत्पन्न होती है वो एक सफेद वस्त्र पहने हुए तानपुरा हाथ में रखे हुए थोड़ी सी गर्दन झुकाए हुए अपने ही आप में मग्न एक महिला की हमें तस्वीर उसकी छवि मन में आती है और लेकिन कुछ हद तक सही भी हो सकती है क्योंकि उनमें वैराग्य तो था थी प्रेम रस भी बहुत था। और हमें याद रखना चाहिए कि जो भारत से हमें जो रस का जो हमें फ्रेमवर्क मिला है उसमें 8 रस होते हैं जैसे आप सबको पता है फिर बाद में 9वां रस शांत रस भी जोड़ा जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आता है वो मध्यकाल में आता है रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। You see, these were very great devotees of Krishna who were sent by Chaitanya when Vrindavan was being established. And what they did is they said, Bhakti is the supreme ras, not Shantaras. So they took Shringara ras and they made it into Bhakti ras. And in that framework also Meera has been understood as a great saint of the Bhakti ras. And, you know, we have also seen her in popular imagination. This kitab mein pura chapter hai ki comic books mein jaise Amar Chitra Katha Anand Pai ki jo hai usme Meera ki kya tasveer banayi gayi hai kya chhavi hai Gulzar sahab ki film ke bare mein bhi likha gaya hai aur sabse pehli jo film thi mujhe yaad aa rahi jisme MS Subbalakshmi ne kirdar banaya Meera ka क्योंकि मीरा के कई भजन गांधी जी को बहुत पसंद थे और वो सुलक्ष्मी जी ने गाए थे हिंदी में जो कि उनकी भाषा तमिल थी लेकिन वो संस्कृत में भी
गाती थी, हिंदी में भी उन्होंने कुछ गाई है रचनाएं, तुलसी की भी रचनाएं उन्होंने गाई। और ऐसी ही छवि जो आई है हमारे पास परंपरागत मीरा की, उसने सच्चाई कितनी है और दंत कथाएं कितनी है, इस सवाल को लेके ये किताब लिखी गई। बहुत बखूबी से प्रस्तुत किया गया है सारे प्रश्नों को, एक तर्कसंगत आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी इसका विश्लेषण किया गया है। तो इसके लिए मैं आपकी बधाई करता हूँ बाधवाड़ा साहब, बहुत बढ़िया किताब है। हिंदी में पहले छवि से अंग्रेजी में, तो मेरे मन में एक दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि हम जब मीरा की बात करते हैं तो यहाँ मेरे दोस्त हैं कई इतिहासकार बैठे हैं, तो हमको पूछना पड़ेगा सोर्स क्या है। तो एक तो सोर्स है भक्तमाला, इम्पोर्टेंट सोर्स वो होता है। तो और ये पूरी जो परंपरा थी अलग संप्रदाय, उसमें से कैसे मीरा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, वो सवाल है। उसके बाद सवाल ये है कि कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मीरा के बारे में लिखा है, हालांकि जहां तक मुझे पता है ये नहीं, इसमें नहीं है, क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा। फिर हम आते हैं काफी लेजेंड्स में वहां, लेकिन आप भी काम कर रही है जो पोथी या क्या कहते हैं वही खाता, उसमें ज्यादा नहीं है। तो हड़ा साहब कहते हैं इसकी वजह है कि वो किसी भी राजा महाराजा की पत्नी नहीं थी, भोजराज उनके जो पति थे उनका जल्दी देहांत हो गया। हालांकि राणा सांगा जी तो बहुत बड़े सम्राट थे और अकबर से भी लड़े है ना, खांडवा के युद्ध के नहीं है नाम, क्योंकि वो कोई पटरानी नहीं थी, पता नहीं वो कहां तक सच्चाई है उसमें, लेकिन वही खाते और रिकॉर्ड्स वगैरह में कम है उल्लेख, ये तो सच है। अब इसकी रिकंस्ट्रक्शन कैसे की जाए, तो इन्होंने जिक्र तो किया है कोकम सगाई के काम पर, लेकिन उसका जो मर्म है वो अभी पकड़ा नहीं है किताब। उसका मर्म ये है कि जो हम कैपिटल की बात कर रहे, मार्क्स ने कैपिटल की बात की और कैपिटल को कैसे पास ऑन किया जाता है उसकी बात की, पियर बॉर्डर ने सोशल कैपिटल की बात की, तो जहां कोकम सगाई इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मदर टेरेसा की लेगेसी कौन कैप्चर करता है, उसकी स्पिरिचुअल पूंजी जो कैप्चर करना चाहते हैं वो, तो चर्च भी एक उसमें हिस्सेदार है ना, वो जो पूंजी है उस पूंजी के अनेक लाभ है इन द रियल वर्ल्ड मटीरियल वर्ल्ड। तो कुमकुम सरकार इज वर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज शी सेज देयर इज स्पिरिचुअल कैपिटल एंड हु इज ट्राइंग टू कैप्चर द स्पिरिचुअल कैपिटल, इज इट द फेमिनिस्ट, is it the you know anti patriarchal people, is it the Marxist, is it the Bhakti people, is it Hindutva, to ye jo spiritual capital hai meera ki wo kaun capture karna chahta, I think that's an important question hasn't been dealt with that. And the other thing jo mere, of course there are two very important books, ek kitab hogi rakhega, sorry sunai de raha, I beg your pardon, किसी ने कुछ कहा, I mean there are two very important books जिसका जिक्र इसमें किया गया है, तो हरि नारायण पुरोहित जी वो इसमें लिखा है और दूसरा जैसे जर्मन स्कॉलर हर्मन गेट्स, वो किताब अभी देखो हम बात कर रहे थे हमारे मित्र जो है प्रतीक जी, वो कह रहे थे यार मकबूल दिए भारतीय विद्याभवन की किताब है 1950 में छपी है, मिलती ही नहीं है, आप लाए ऐसे, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसकी बात भी कर रहे थे, इसको रिपब्लिश करने की आवश्यकता है, तो मेरा एक सुझाव ये है कि हम भारतीय विद्या भवन से पूछते हैं आपको नहीं करनी है तो क्यों नहीं हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एक वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क है जो अभी उपलब्ध नहीं है आसानी से।
और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो किताब है जिसके बारे में जिक्र किया नहीं है इसमें इस किताब में, वो है किरण नगरकर की बुक ककर्ड, इसका नाम है ककर्ड। वो एक है तो उपन्यास, एक अद्भुत उन्होंने मीरा के जीवन को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की। और ककर्ड में पूरी जो मीरा की जो कहानी है उसको आधुनिकता के जन्म के उत्पन्न को लेकर, निर्माण को लेकर के उन्होंने छोड़ा है। तो भोजराज को नाम से नहीं बोलते लेकिन उनको महाराज कुमार की संज्ञा देखिए, वही लेखक मतलब जो कहानी की प्रस्तुत करता है उस किताब में ककर्ण में, वो उनके दृष्टिकोण से किताब लिखी गई है। तो उसमें वो कहते हैं कि जब आपके जो राइवल हो, क्या कहते हैं प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी नहीं, वो उर्दू में एक शब्द है, ये है, जब आपके रकीब कृष्ण भगवान हो तो आपको कोई चांस ही नहीं है, कंपटीशन आप कैसे कर पाएंगे। तो हाँ, तो वैसे उन्होंने वो रचना बनाई किताब की, बहुत अद्भुत किताब है, वो पढ़ने लायक है। इसकी अगली जो आवृत्ति आएगी अगली, तो उसमें आप उसको भी जोड़ पाएंगे अगर आपके पास समय हो और आपको ठीक लगे। मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन किताब बहुत अद्भुत किताब है वो ककन, और उसपे मैंने भी एक लिखा है, मैंने एक स्थापना की है कि जब हम किसी परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं, एक लिटरेरी ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड इट, देयर आर टू वेज, यू नो, यू वन इज ऑफ कोर्स टू लुक एट द मेजर वर्क्स बाय द मेजर राइटर्स, तो उसके हट के दूसरी परंपरा की ओर, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वो करना हो तो मैंने एक प्रस्ताव रखा है, यू टेक माइनर वर्क्स बाय मेजर राइटर्स, और यू टेक मेजर वर्क्स बाय माइनर राइटर्स, यानी एक ही किताब लिखने वाले भी लोग होते, जैसे अरुंधति रॉय ने एक ही किताब लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल, वो एक ही उनकी एक किताब है, बाकी तो बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, उसको हम पोलेमिक्स की संज्ञा दे सकते हैं, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। सो ये जो एक ही किताब लिखने वाले भी लोग वो आप चुनिए, किरण नगरकर की जो ककड़ है वो एक उस तरह की किताब है, हालांकि मराठी में उन्होंने बहुत लिखा, 7 शकम 43 किताबें उन्होंने लिखी है, लेकिन ये आधुनिकता का जो प्रश्न है और जो आधुनिकता की उत्पन्नता की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो लोग ब्रिटिश काल में जाते हैं, या कोई कहता है औरंगजेब की जो मृत्यु थी 1707 वो आधुनिक काल की शुरुआत है, लेकिन हम उसको और थोड़ा सा पीछे धकेल दें तो बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जो युद्ध लड़े गए और मतलब कई लोग हार गए, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह एक नई आधुनिक तकनीकी थी, है ना, द गन्स, द गन पाउडर, द एलिफेंट्स यूज्ड टू रन अवे, सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी विच किरण नगरकर टॉक्स। Then, रही बात फाइनली मैं कहना चाहता हूँ, I'll come back to the initial point. You see, Meera is this ascetic lady, you know, walking alone, a big rebel, etc. And this book shows you that that's a popular image which needs to be corrected, because she's a princess. She was a feudal princess. And if you read the poetry, she says, Shaam mare chakar rakho ji. Ye jo chakri kya hoti hai? That's a feudal sentiment. उसमें रंजित गुहा को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज भक्ति रस इज लिंक्ड विद द फ्यूडल एज आल्सो। एनीहाउ, सो हाला साहब शोज शी हैड जागीर्स, शी हैड विलेजेस, शी हैड मनी, शी हैड अ रेटिन्यू व्हेन शी ट्रैवल्ड टू वृंदावन, शी वेंट विद एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, तो कोई वो जो एसेटिक मुफलिस लेडी ऐसे घूम रही है, दर दर भटक रही है, ऐसे नहीं था। And उनकी जो रिलेशनशिप थी द डोमिनेंट ऑर्डर विच वॉज फ्यूडल पैट्रियार्कल इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनको शरण भी मिलती है अपने शायद मामा जी के पास ही जाती है, बाद में मेहता में कहाँ जाती है, वो तो फाइनली द्वारका में जाते हैं अपने पियर पियर जाती हैं, और वहां कहते हैं कि यहाँ महमूद शाह ने आक्रमण किया, सारे लोग जौहर हो गए, तो
उसमें ये मान्यता है कि मीरा की आपने इतना उनका अपमान किया इसलिए ये आपको सजा मिली। तो कहा जाता है कि द्वारका से उनको बुलाया जाता है वापस चित्तौड़ या मेवाड़। तो ये सब इसमें लिखा है, बहुत अच्छी किताब है और मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ, पढ़िए, खरीदिए। अदिति जी भी सुन रही है, खरीदना बहुत जरूरी है किताब, है ना। हालांकि मुझे तो मुफ्त में मिल गई किताब, नहीं पीडीएफ मिली, किताब भी मैं लूंगा क्योंकि मैंने ब्लॉग लिखी है, लेकिन खूब पढ़िएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे हिस्टोरियंस है वो भी लिखेंगे और इट्स रियली वंडरफुल बुक। अब आई रिक्वेस्ट फारस साहब टू से फ्यू वर्ड्स। सवाल भाई, मैंने लिखी नहीं किताब, आप मुझे प्रश्नोत्तरी के बगैर आया इस कैसे हो सकता। मैं वहां पर आइए यहाँ सर में खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, आपकी चाय नहीं दिखेगा, बैठना पड़ेगा। नहीं दिखता है, दिख रहा है, दिख रहा है। सम्माननीय निदेशक जी, वाणी प्रकाश अंक की प्रबंध निदेशक अदिति जी, मेरे अविंद मित्र और मार्गदर्शक प्रोफेसर प्रदीप नेता जी, उनका एक परिचय ये भी है कि वो यहाँ 3 वर्ष तक अध्येता रहे हैं। मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र जो इस किताब के हिंदी संस्करण के पहले पाठक रहे हैं, सभी आलेखों के प्रसाद जी अग्रवाल और अध्येता मित्र। मैं बुनियादी तौर पर कस्बे का आदमी हूँ। आजीवन जो अध्यापन किया मैंने वो माउंट आबू के पास एक कस्बा है सिरोही, विश्वविद्यालय जीवन के अंतिम चरण में आया उदयपुर, और वो भी अभी कस्बे से नगर होने की श्रेणी में अभी पूरा हुआ। तो ये मेरे लिए कल्पना की थी कभी मैं यहाँ संस्थान जाऊंगा और मेरी किताब का विमोचन अफसर मकरंद पर आज पेजी करेंगे। मैं अभी भी अपने को एक शोधार्थी मानता हूँ और ये इस किताब का अधिकांश सिरोही में रहकर ही लिखा गया, इसकी पुनरावृत्ति हुई। किताब पर किताब तो अपनी बात खुद करेगी, कुछ बातें ऐसा ने भी कही है। मैं 2-3 जो अनौपचारिक कृतज्ञताएं हैं वो पहले ज्ञापित करूंगा। सबसे पहले तो मैं सर का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत उदारता पूर्वक इस पर एक टिप्पणी लिखने का अनुग्रह किया, मेरे लिए वो भी कल और एक त्वरित प्रतिक्रिया के साथ मेरे लिए कल राति ताकि वो कर देंगे तत्काल किया। इसके किताब के अनुवादक प्रोफेसर प्रदीप तिखा मेरे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों विश्वविद्यालय साथ गए थे और वो वही विश्वविद्यालय में है, मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और अंग्रेजी के बड़े विद्वान। हम दोनों ने लंबी लंबी बैठकें की और ये मुझे लगता है कि इस किताब का अनुवाद कोई राजस्थान में रहने वाला और राजस्थान के मुहावरे को अच्छी तरह समझने वाला आदमी कर सकता है, कोई दिल्ली का या बाहर का आदमी। इस किताब मीरा की खास बात है कि वो उसको एक स्थानिक परिवेश में ही बेहतर समझा जा सकता है, वो एक सार्वदेशिक और सार्वकालिक धारणाओं से समझना चाहे, परिवेश से समझना चाहे तो बहुत मुश्किल होगी। अदिति जी, वाणी प्रकाशन इस किताब का किताब के हिंदी संस्करण का भी प्रकाशक है और अंग्रेजी संस्करण का भी प्रकाशक है। अदिति जी के पिताजी से मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, पारिवारिक मित्रता है एक तरह से। अरुण
माहेश्वरी जी, और संयोग से अदिति जी के पतिदेव का नाम भी अरुण ही है। मैं इन दोनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। किताब के बनने की प्रक्रिया कितनी जटिल और मुश्किल होती है, उसमें बहुत धैर्य चाहिए। इस किताब के बनने में कोई लगभग 3-4 साल लगते, लेकिन अदिति जी ने धैर्य बनाए रखा और ये मानकर कि ये हमारे घर की किताब है, इसको हम ढंग से लाएंगे। इस किताब की संपादक के प्रति आभार व्यक्त नहीं करना थोड़ा गलत होगा। सुदेश नाजी वो भोपाल के रहने वाली है, मुझे लगता है कि वो साहित्य और इतिहास दोनों की बड़ी विद्वान थी, लेकिन कवि लेखक नहीं थी। व्यावसायिक रूप से अदिति जी ने चुनाव किया कि कवि लेखक बहुत गौचेबाजी बात करते हैं, संपादक चाहिए बिल्कुल शुद्ध, और उन्होंने सुदेश नाजी को चुना और उन्होंने बहुत मनोयोग से इस किताब के हर शब्द को पढ़ा। इतिहास की और साहित्य की बहुत सारी गलतियों को इस किताब के आरंभ के अंदर शिंदे की बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में छपे, उन पर विवाद भी हुए, प्रतिक्रियाएं भी आई। मेरे युवा मित्र हैं पल्लव आलोचक हैं, सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तिका के रूप में इसका दूसरा अध्याय प्रकाशित किया, मीरा का समाज। जान साहब क्षमा करेंगे, वो भी इतिहास का क्षेत्र है। और भी बाद में उन्होंने समीक्षाओं का एक संकलन प्रकाशित किया, हिंदी की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं हुई। हिंदी में ऐसा होता है कि चीजें अनदेखी चली जाती, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि ये किताब हिंदी में कम से कम अनदेखी है। मैंने आरंभ में भी कहा कि मैं शोधार्थी हूँ और अपने गलत होने की गुंजाइश रखता हूँ, हमेशा रखता और कुछ सुझाव आज सर ने भी दिए, और इस किताब पर जो प्रतिक्रियाएं आई उनको भी मैंने बहुत मनोयोग से लिखा, और जहां मुझे लगा कि हाँ मुझे अपने को सुधारना चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक मन में सहमति और स्वीकृति का भाव। किताब के संबंध में तीन छोटी छोटी बातें कहकर मैं अपनी बात करूंगा। एक तो संकल्प पूर्वक बल्कि आग्रह पूर्वक मीरा को समझते हुए, पढ़ते हुए और उस पर अपनी राय कायम करते हुए मैंने अपने को रूढ़ी और रूपकों से बाहर रखा, बल्कि संकल्प पूर्वक उनसे परहेज किया। हिंदी में क्या बल्कि सभी भाषाओं में होगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से हिंदी के संबंध में कह सकता हूँ तो विचारधाराओं के रूपक है, विमर्शों के रूपक है, शास्त्रों के रूपक है। मेरा की एक पंक्ति है, मैं तो चलूंगी चाल अपूठी, अपूठी कहते हैं राजस्थानी में विमुख। तो मुझे लगा कि एक ऐसी कवियत्री को किसी रूढ़ी और रूपक में नहीं समझा जाना चाहिए। हिंदी में तो क्या है, ये एडिकेट रेडीमेड गारमेंट्स के सेंटर्स है। क्या आप जाइए और एक उठाइए और पहन लीजिए, आपको अपने विवेक को जहमत नहीं देनी पड़ेगी कभी भी। मुझे लगा कि आप मीरा मीरा खुद आपको अपनी अंतर बाधाओं से बाहर आने के लिए प्रेरित करती, आप एक धारणा बनाइए उसके बारे में, वो अगले पद में आपको गलत सिद्ध कर देगी। आप कहिए कि विद्रोही है, अगले पद में कह देगी नहीं है। आप कहिए कि वो संत भक्त है, अगले पद में वो आपको गलत सिद्ध कर देगी। इसलिए मैंने आग्रह पूर्वक इन सब से अपने को बाहर मीरा को पढ़ते समझते, और मीरा को पढ़ते समझते हुए मुझे अपनी अंतर बाधाओं से बाहर आने का भी मौका मिला, बल्कि साहस मिला। क्योंकि मुझे लगता है कि वहां में ऐसा हुआ कि मीरा के संबंध में प्रचारित बहुत है, ज्ञात बहुत कम। उसका कारण यह है कि मीरा के संबंध में आरंभिक सारे अध्येता राजस्थान के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे।
और दूसरी एक विडंबना जो हमारे लगभग सभी संत भक्त कवियों के समान है वो ये है कि उनकी कविता बहुत समावेशी, लचीली और उदार। वो हमारे जनसाधारण की कविता भी, हमने अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं भी उसमें जोड़ दी। उसका कोई पाठ, प्रामाणिक पाठ जिसको कहते हैं कि वो मीरा ने ही लिखा होगा, पर वो ऐसा आग्रह हमारी परंपरा में कहीं है भी नहीं, मौजूद नहीं। तो ये है कि आप उसके संबंध में जैसी चाहे धारणा बना सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वो दाम्पत्य प्रेम का तो वैसे उदाहरण मिल जाएंगे। बाद में जब हमारे जेंडर डिस्प्यूट्स वाले लोग हैं जिनका नाम सरने पे लिया उद्धव सरदारी, उनके लिए भी काफी सामग्री मिल जाएगी। आप यदि कहेंगे कि वो संत भक्त हैं जैसा गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने किया तो उसके उनके लिए भी सामग्री। तो केवल कविता के आधार पर अगर मीरा के संबंध में आप कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो वो गलत साबित होगा। ये किताब बहुत सारी भ्रांतियों के प्रतिरोध में उनके विरुद्ध लिखी हुई, जैसे ये कि भगवाधारी साध्वी थी, जैसे ये कि मीरा के साथ अन्याय और उसका उत्पीड़न हुआ, गलत। जैसे ये कि कभी कभी ये होता है ना, पितृ सत्ता वाली अवधारणा, मुझे मीरा पढ़ते हुए बराबर ये शब्द मेरे मन और मस्तिष्क में निरंतर घूमता रहा। ठीक है, क्या आप सास भाभी और ननद के झगड़े को पितृ सत्तात्मक अन्याय और उत्पीड़न के साथ मत जोड़िए। बहुत जरूरी है ये देखना भारतीय परंपरा। मुझे ये भी लगता है कि देवर और भाभी के बीच की अनुबंध को पितृसत्तात्मक अन्याय और उत्पीड़न से मत जोड़िए। एक दैनंदिन जीवन में जो होता है, बहुत कुछ होता है एक पारिवारिक जीवन, जैसे ये कि मीरा का समाज ठहरा हुआ और गतानुगति, हमारे सभी इतिहासकारों ने ऐसी धारणाएं बना ली, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने ऐसी धारणाएं बनाई नीच स्वार्थ के तहत, और हम उनकी पुनरावृत्ति करें। मीरा का समय और समाज पढ़ते हुए मुझे लगा कि जो समाज सदियों से मीरा, जो लोग मीरा को आशी का स्वर कहते हैं, आप कल्पना करिए कि जो समाज सदियों से मीरा को सिर माथे पर उठाए हुए, और वो उसमें भी समाज के छोटी जाति के लोगों ने उठा रखा है, तो आप कल्पना करिए कि वो आशी का स्वर कैसे हो सकता। मुझे लगता है कि कुछ धारणाएं हम ऐसे बनाते हैं, जैसे कुमकुम सांगारी ने भी बनाई, एक नाम सरने के लिए पारिता मुक्ता उन्होंने भी बनाई कि मीरा की स्मृतियां राजस्थान से निर्वासित के साथ अन्याय और उत्पीड़न हुआ। सरने भी उदाहरण दिया कि जब ये, लेकिन लोग बहुत महत्वपूर्ण है, लोग की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बाद में जब ये अपवाद लोकोपवाद फैला कि अकबर ने आक्रमण मीरा के अभिशाप के कारण किया, हुआ मीरा का परिवार का विध्वंस अभिशाप के कारण हुआ, तो मीरा को वापस बुलाने के प्रयत्न, बल्कि उनके देवर उदय सिंह ने भी और उनके भाई जय ने भी प्रयत्न किए। कभी आप उदयपुर जाए तो एक बहुत खूबसूरत, कभी 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 हम धारणाएं ऐसे ही बनाते, सार्वदेशिक धारणाएं बनाते। कभी उदयपुर जाए तो ठीक महल के बाहर एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर, उसके ऊपर एक जनश्रुति लगी हुई। महाराणा जगत सिंह अभी उत्तर मध्य काल में महाराणा जगत सिंह यात्रा पर गए, जगन्नाथपुरी लौट कर आए तो उनको सपना आया, मैंने कुछ भी खारिज नहीं किया, ये वृत्ति मीरा को पढ़ते समझते मुझे लगता है सभी को, सबको शामिल करने का प्रयत्न आपके मन में होना चाहिए। तो वह है कि सपना आया कि तुम मेरा मंदिर भगवाओ, मैंने मीरा को वचन दिया है कि मुझे मेवाड़ डालना है, तो महाराणा जगत सिंह ने वो मंदिर बनवाया, ये वहां है उस ताम्र पत्र में ही उल्लेख। पारिता मुक्ता किस प्रमाण से ये कहती है कि मीरा की स्मृतियां राजस्थान से निर्वासित है, कुमकुम संगारी किस प्रमाण से कहती है कि
उसकी स्मृतियां निवासी थे मेरे लिए। कभी फारिदा मुख्तार ने लिखा कि राजस्थान में मीरा राजपूतों में मीरा नाम नहीं रखा जाता, जोधपुर के शासक मालदेव की एक बेटी का नाम मीरा था जिसका विवाह बाद में गुजरात में हुआ। मुझे लगता है कि आप एक ट्रेवल एक यात्रा करते हैं छोटी सी, आज उदयपुर कल चित्तौड़गढ़ ये हुआ इसने पूछा वापस आए और आपने धारणा। मुझे लगता है किसी कवि उसके संबंध में ऐसी धारणाएं नहीं बनती। अंतिम बात मुझे लगता है कि समय नहीं है, औपनिवेशिक शिक्षा और संस्कार ने हमें अपने देशज स्रोतों के प्रति सजग भाव से सचेत किया, आग्रह पूर्वक हमारे मन में उनके प्रति एक हिदायत का भाव, हम उनसे नफरत करते। मुझे लगता है किसी भी संत मीरा ही नहीं, किसी भी संत भक्त को, किसी भी इस तरह के व्यक्ति को आपको समझना है तो हमारे अब हमारे अपने समाज के सांस्कृतिक व्यवहार और उसकी सांस्कृतिक भाषा को जो बहुत अलग है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये इसका जैसे मुझे लगता बिना जनश्रुतियों के बिना उखाणों के, राजस्थान में एक शब्द चलन में उखाणा कहते हैं जिसको, जो जनश्रुति और लोकोक्ति के बीच की चीज है, आप यदि उसे नहीं समझते तो आप मीरा को नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। सांस्कृतिक व्यवहार को भी समझना चाहिए कैसे प्रतिक्रिया करें। आप एक धारणा बना लें जल्दी से कि मीरा ऐसी थी, मीरा विद्रोही थी, बहुत सारे हमारे उसके साहस और स्वेच्छाचार के बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है कि बिना मीरा के मीरा को केवल मीरा की कविता को आधार बनाकर अगर आप ऐसा निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो गलत होगा। आपको उसके इतिहास के परत इतिहास के समानांतर आप जनश्रुतियों का भी ध्यान रखिए, आप बहियों में भी उसके सरणे का बहुत खूबसूरत परंपरा है। रानी मंगा मतलब चारण और भाट केवल राजा के ही नहीं होते, रानियों के भी होते, लेकिन ये परंपरा आप एक दिन बात कर रहा था कि यदि आपको जागीर में विभाजन नहीं करना है तो जो बड़ा है वही जागीर का उत्तराधिकारी होगा, चारण आएगा तो दर्ज उसी को करेगा, शेष को दर्ज नहीं करेगा। अब ये कि जो लोग बाहर के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि किन लोगों को चारण भाटों की बहियों में स्थान मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि उसका नाम तो बही में है ही नहीं, रानी मंगा की एक बही में जहाँ सुमित काम करके आई है, रानी मंगा की एक बही वहां है बाद में वो प्रकाशित भी हुई, उसमें मीरा का उल्लेख है, उसका जन्म कहाँ हुआ और द्वारका में राम के द्वारका में उनका निधन हुआ ये उल्लेख है। वो दर्ज करते थे संतति सत्तारूढ़ व्यक्ति, इसलिए मैंने इस किताब में किसी को भी खारिज नहीं किया, जनश्रुतियों को भी खारिज नहीं किया, बहियों को भी खारिज नहीं किया, उनको भी लिया, वंशावली अभिलेखों को भी लिया, सबसे अधिक धर्माख्यानों वर्तमान में पर्ची पर्ची ग्रंथों में आप उनको जनश्रुतियां कह सकते हैं। मेरे लिए वो मेरे समाज की अपनी भाषा है, उसकी सांस्कृतिक भाषा, वो उसी भाषा में बात करता। ये बहुत रोचक की यात्रा थी मीरा के पाठ और भाषा पर, मैंने उस समय नहीं लिखा लेकिन बाद में मैंने विस्तार से पाठ और भाषा पर भी लिखा, जो बहुत अच्छी पत्रिका था, बहुत प्रकाशित हुई। कुछ संकल्पों के साथ ये काम शुरू किया था और मुझे लगता है कि कुछ अच्छे निष्कर्ष, मुझे लगता है कि असल मीरा कमोबेश ऐसी ही रही होगी। मेरा अब भी ये मानना है कि हम अपने समाज को समझ रहे हैं, अपने समाज के लोगों को समझ रहे हैं तो एक इनसाइडर की तरह ही उसको बेहतर ढंग से समझ। मैंने आप आश्चर्य करेंगे इसमें जेम्स टोड के अलावा और किसी का नाम नहीं है, जेम्स टोड उन लोगों में से थे
जिनको राजस्थान से बल्कि मेवाड़ से इतना गहरा लगाव था कि वो मेवाड़ी जानते थे, मक्की की रोटी खाते थे, बहुत लगाव था ईस्ट इंडिया कंपनी में उनकी थी। और मेवाड़ और मारवाड़ का कुख्यात पक्षधर होने के कारण उनको वापस भेज दिया गया। उन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा है, मुझे लगा किसी भारतीय ने भारतीय भूगोल और भारतीय संस्कृति पर इतनी सुंदर पुस्तक नहीं लिखी होगी। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। बाद में उसका हिंदी में अनुवाद किया गोपाल नारायण बकुरा ने। मीरा पर बहुत लोगों ने काम किया, मैं भी एक कड़ी हूँ। और मैं क्योंकि कोई मतलब मैंने मुनि जी विजय के काम पर काम किया है, कोई मुझे विद्वान कहता है तो मैं शर्म से गड़ जाता। उन्होंने लगभग 400 ग्रंथों का पाठ संपादन किया और करवाया, तो बहुत छोटे लोग। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ सम्माननीय निदेशक जी का कि उन्होंने समझ से इस किताब को पहली बार लोकार्पित किया। मैं आप सभी मित्रों के प्रति कि आप सब इस तरह से एक बात सुनने के लिए उपस्थित हैं। अदिति जी बोलिए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत धन्यवाद मकरंद जी, आपने न सिर्फ इंग्लिश एडिशन पर टेस्टिमोनियल दिया बट आपका बहुत सपोर्ट इस किताब को मिला है। और ये इस समय की विडंबना है कि किताब दफ्तर में एक हफ्ते पहले से आ गई लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाए। और मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों एडिशंस के साथ हूँ और कुछ चीजें शाया करना चाहती हूँ इसके तरफ से। जब संस्करण आया था तब उस समय मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में एमफिल पढ़ रही थी। पचरम चोरा पहन सखीरी के आने से पहले हम प्रोफेसर प्रथम संगारी का कल्चरल हम उस पर बात ज्यादा करते थे। प्रोफेसर कुमार संगारी ने एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल एनालिसिस मीरा बाई के जीवन पे किया। जब पचरंग चोला पहन सखीरी पानी में प्रेषित हुई थी और बादल सर की तो स्कॉलरशिप के गुणगान बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी उस समय और पिताजी ने मुझे बताया था कि किताब इस तरीके से इस नए परिप्रेक्ष्य के साथ आ रही है, तो मुझे लगा कि जैसे डेविड लॉन्च ने और हैरल्ड ब्लूम ने सारे इंग्लिश और न्यू अमेरिकन लिटरेचर को एक मार्क्सिस्ट रिडक्टिविस्ट आइडियोलॉजी के तहत एक प्रोटेस्ट का ही लिटरेचर बना के छोड़ दिया, उस तरह से किसी हद तक मीरा बाई के जीवन के साथ ही यही पॉलिटिक्स की गई। तो जब पचरंग चोला पहन सखीरी की मैनुस्क्रिप्ट उस समय में तो मेरे पास हार्ड कॉपी कुरियर से बॉम्बे पहुंची, मैंने पढ़ी और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि पूरे कैनन को इतने इतने तथ्यात्मक तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करके उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया जो माधव सर ने की वो पॉसिबल भी हो पाई, क्योंकि हमारे सामने सारे दस्तावेज हमेशा से थे। इसे इतने सालों से कैनन की पॉलिटिक्स ने देखना जरूरी भी नहीं समझा और उसको नजरअंदाज जानबूझ के भी किया क्योंकि इट सूटेड देयर नैरेटिव। अब जब हम मीरा वर्सेस मीरा के इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो मुझे पता है कि इस किताब की एडिटिंग प्रोसेस के साथ में लगातार जुड़ी हुई थी। प्रदीप तिरखा जी के सामने कई समस्याएं लैंग्वेज की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई भी आई। कई सेंटेंसेस इस किताब में ऐसे हैं जिन्हें मीरा बाई के साथ उनके परिपेक्ष में रखना अंग्रेजी भाषा में तो हिंदी भाषा में भी अचंभित करने वाला एक एक्सपीरियंस।
तो गर्व की बात यह है कि ये पहल हिंदी से हुई, हिंदी भाषा से हुई। ये पूरे कैनन को रीडिफाइन करना, उसको क्रिटिक के साथ सिस्टमैटिकली डीकंस्ट्रक्ट करना और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत हिंदी भाषा से हुई। हिंदी संस्करण के प्रकाशन में पिताजी ने पूरी तरह तल्लीन थे और अंग्रेजी के संस्करण को प्रकाशित करने में पूरी तरह तल्लीन। तो बहुत खुशी की बात है कि जनरेशन के साथ न सिर्फ कैनन को देखने की प्रक्रिया बदल रही है बल्कि भाषा के साथ भी अब ये किताब अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में भी 1 महीने के अंदर पहुंच जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी स्कॉलर्स अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में मीराबाई पर या भक्ति साहित्य पर या भक्ति कविता पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें ये किताब पढ़कर एक नया परिपेक्ष मिलेगा, एक नया डायमेंशन मिलेगा। साथ ही अब आने वाले समय में अगले महीने हम वाणी ट्रांसलेशन फेस्टिवल आयोजित करने वाले हैं, क्योंकि वाणी डिस्टिंग्विश ट्रांसलेटर अवार्ड 2021 भी अनाउंस करने का समय आ जाएगा। तो मैं ये चाहूंगी कि इस किताब के जरिए हम कैनन की पॉलिटिक्स और उसके भाषाई उसके भाषाई अडाप्टेशन पर भी बात करें, क्योंकि जो समस्याएं तिरखा जी को और माधव सर को आई इस किताब को सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित करने में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रकाशित करने में, वो सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा अध्याय है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि आजाद भारत में इंटेलिजेंसिया एक ही प्रकार से कहीं झुकाव के तहत देखी गई। एक दिशा लेफ्ट राइट सेंटर हमारे सामने है। मैं बहुत पेचीदगी में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये पूरा डिस्कशन किसी और दिशा में चला जाएगा, लेकिन ये बात बहुत इतना जरूरी है कि जो भारतीय सनातन सभ्यता या जिस जिस आलोचना की हम बात करते हैं, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, जिसमें एक समकालीनता एक समकक्षता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्रताड़ना और एक प्रताड़ित नैरेटिव बन के रह गया था कई दशकों तक। ये किताब उस आशिये के कहीं ना कहीं झूठे झूठे नैरेटिव को तोड़ती है। और क्यों एक नैरेटिव की आवश्यकता भी हो एक देश में जहां सच्चाई हमारे सामने दस्तावेजों के जरिए उपलब्ध है। तो यहाँ माधव जी को, हरा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक पूरी पीढ़ी के लिए रिसर्च का नया दायरा खोल दिया, और प्रदीप तिरखा जी को बहुत धन्यवाद कि इंग्लिश में आने की वजह से मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में मास्टर्स पढ़ते हैं और उसके बाद रिसर्च के लिए चले जाते हैं, उनके सामने एक ही लाइन ऑफ थॉट होता है। तो लाइन ऑफ थॉट थोड़ा सा बदले और तथ्यों के साथ बदले और इस किताब के जरिए कुछ नया नैरेटिव सबके सामने। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब स्कॉलर्स मीराबाई के बारे में बात करेंगे तो जाहिर है कि जो कुमकुम संगारी या उनसे भी बड़े जो स्कॉलर्स उनसे पहले थे, उनके साथ साथ डॉक्टर प्रदीप तिरखा की ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से कोट की जाएगी और यही हम सबकी जीत मानी जाएगी। और आने वाले समय में माधव सर की और किताबों का इंतजार है और लेट्स होप कि और ज्यादा कैनन टूटे और डीकंस्ट्रक्शन हो और रिकंस्ट्रक्शन हो मजबूती से। so, बहुत धन्यवाद एंड लेट्स होप बेस्ट फॉर दिस बुक। Very well spoken, Aditi ji. It's always a pleasure to listen to you because it's rare to find a publisher who's so deeply engaged with ideas. And we're very proud that our association with Vani is going to continue at IIAS. And I suppose some of us in our own right will also publish with you in the times to come. I just wanted to make one footnote, though. You mentioned Harold Bloom. But Harold Bloom is not an opponent if you want to celebrate the text and its aesthetic qualities. He's actually your greatest ally because he talks about the enemies of pleasure. And he says how literary studies get hijacked by deconstructionists, feminists, Foucauldians,
Mark says, so he's the exact opposite of what you're, you know, trying David to... David Ross, I was very disappointed with Harold Bloom, the way he completely put an author like Charles Dickens on an operation table and left him unattended. Maybe left a towel in his stomach without stitching his... without stitching his intestines. So that's the Harold Bloom I'm talking about. No, no. So what I want to say is Harold Bloom is not a deconstructionist. He's right. actually somebody who supports the great canon of writers from Homer, right. the Bible, and certainly even Dickens and Milton. Anyhow, we'll move on because we have a couple of more events today. And actually what happens is jab koi kitab bahut dilchasp hoti hai, तो उसकी चर्चा निरंतर बढ़ती जाती है लेकिन हमें और भी दो तीन चीजें करनी है मैं प्रदीप जी से अब आमंत्रण करता हूँ प्रदीप जी आप कुछ शब्द कहें एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू रिमेन विद अस आदित्य जी बट द पब्लिशर इज सेज फॉर द नेक्स्ट बुक एंड द टॉपिक इज वेरी डिफरेंट इट्स अबाउट एग्रेरियन लेट मी सी लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड टाइटल्स बट एनी हाउ प्लीज प्रदीप जी kindly give us your experience of translating this book I hope we haven't lost you. He's there. Okay. Please unmute yourself if you don't mind. गुड आफ्टरनून सर प्रदीप जी आप म्यूटेड नहीं दिख रहे हैं यस दिख रहा है अब म्यूट हो गया है अनम्यूट कर दीजिए नहीं प्रदीप कुमार नायक नहीं प्रदीप कुमार प्रदीप जी त्रिखा त्रिखा आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्रदीप जी गिव अस 2 मिनट्स Because the earlier program isn't finished, we'll come to your book in a few minutes. But please remain with us, Pradeep ji, if you can hear us. Pradeep Trikha. And we want to catch Pradeep Trikha ji, who was there at the beginning. Pradeep Trikha ji, Professor Pradeep Trikha. Unko phone kar lijiye, Pradeep ji ko na. Where is? Is he there? Yeah. Ah, catch him. Put him, send a message to him. He please join now. Oh, and that is Dr. Deeti Ronan. She has also joined us. Yes, hello, Martin. How are hello. You? I'm happy. Very well, thank you. Happy Hanukkah to you. Shalom and happy Hanukkah. Thank you so much. Wow. Happy Hanukkah to all of you. Thank you. We are running a bit late, if you don't mind. You're welcome to join us. Because okay. we have two books to launch. We have almost done with one book. And another book to launch. And then we come straight to you. You're our honored poet guest today. But if you're very busy, we'll call you back in about half an hour. If you're very busy. We don't want to... No, it's okay. It's okay. I can just stop the video if I need. It's okay. Oh. Thank you, and I apologize for the delay. I'm sorry. She's joining us from no Israel. Problem. Are you in Tel Aviv or are you in Jerusalem or in somewhere else? Tel Aviv. It's Tel Aviv. Wonderful. Mute है हमारे तरफ से तो आपकी तरफ से हाँ आपकी तरफ से नहीं है आप करीब है यहाँ से ओके कर रखा हम लोगों ने प्रदीप त्रिखा जी एंड प्रदीप नायक जी हालांकि दोनों रोशनी देंगे लेकिन जी टर्न बैक कर क्या हुआ जोड़ रखा है ना अभी तो थे आप हमारे यहाँ दिख रहे हैं आप फोटो नहीं दिख रही है आपको We can't hear you, Pradeep. आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है हमको हाँ
रिकनेक्ट कर लीजिए एक बार. प्रदीप प्रदीप जस्ट लॉग आउट एंड लॉग बैक इन इफ यू डोंट माइंड. राइट राइट वी आर वेटिंग फॉर यू प्लीज. प्रदीप नायक जी Friends, we must move on to the next launch, but I want to thank Professor Pradeep Trikavi himself. I want to say that a translator is almost as important as the author, and in some traditions, even more important than the author, because the afterlife of a text is available only in translation and is unlimited. The life of a text is confined to the language in which it is composed and written. But the afterlife of a text, according to Walter Benjamin, becomes infinite. So with those words in praise of our distinguished translator and colleague of Professor Madhav Hara, we move on to the next book. The wonderful thing about this book, Land Reforms to Land Titling, Emerging Paradigms of Land Governance in India, is that it's by a scholar administrator, Dr. Pradeep Nayak, was a fellow at IIA Shimla. We are very proud of him. He completed his master's and MPhil in political science at JNU. And then he went on to do his PhD from the Center of Law and Governance. What is more, he's published quite distinguished research papers. He's got book chapters. One of them is called The Politics of the Ayodhya Dispute. The State and Land Records Modernization. Two books he's written in addition to book chapters. But he's a civil servant. He works in the Odisha Administrative Service since 1996. And he's currently the Joint Commissioner and faculty member at the Administrative Training Institute of the Government of Odisha at Bhubaneswar. So congratulations, Dr. Pradeep Nayak. We are very, very happy that your book has come out. And to find time, despite your busy schedule as an administrator, sometimes to do full-time administration is actually almost ruinous to one's creative spirit. So we congratulate you. I'll invite
Professor Anvi Singh to tell us a little bit about this book. I haven't read it. I've got a synopsis of the book. But I want to say something which is very interesting for IIS, that Dr. Pradeep Nair organized a conference here, and later he said, sir, I would like to come back here as the secretary of IIS. So we had advertised the position, and I said, you must apply. I think he would have made a great secretary. Unfortunately, his parent department, I don't think Mr. Ravi Patnaik wants him to leave Odisha because he's a good officer. So with these words, I invite Professor N.D. Singh, sir, to please take this forward. And what I'll also do is, since we have some administrative pending files and things, and my CPMPS has just come back, you know, there's a pile of them. What we'll do is we'll immediately segue after the launch of this book into the poetry session. And I've already welcomed Dr. Diti Ronan. We are very happy that she could join us. I'm very grateful to her. She joins us from Tel Aviv. And in a way, it's a very special occasion for us because we are finishing our term here. And what better way to do it than with poems and with poetry? And I want to announce that our last program will be on Monday. And we have a very interesting, distinguished lecture lined up. So please spread the word. It will be by Lord Meghnad Desai. He's a life peer of the British House of Lords. And he's just got a new book published by Westland and Amazon called Rebellious Lord. But he's the man who coined the phrase Human Development Index, very distinguished economist at the London School of Economics. And I would call him a polymath, but that's on Monday at 3. And then our session at IIS comes to an end. But I'm going to invite Dr. Alka Tyagi, who's a great friend of Dr. Diti Ronan and who is responsible for getting her to join us, to come here after the launch of Dr. Pradeep Nair's book and then conduct the poetry session, perhaps with a poem that you yourself have translated into Hindi of Dr. Diti Ronan. Maybe if she has translated one of your poems in Hebrew, maybe we can hear some Hebrew as well. We love to hear classical languages and modern languages, okay, no hierarchy, and all kinds of world languages in this seminar hall of ours. We'd love to hear Hebrew, so that would be wonderful. That would be something to look forward to. I'll join from upstairs. And I think, depending on the time, we'll give Dr. Roman an opportunity to read 4 or 5 poems, and we'll sort of relish the opportunity to listen to that. And then I think the others can join in with one poem each, perhaps. And if possible, I'll also come down around 5:30 or 5:15 and maybe join you and listen to your poems, and if time permits, maybe the poem of my own. So with these words, I request Professor N.P. Singh to bless this book. We launch it. We can, if Dr. Pradeep Nayak is with us, and if he's agreeable, we declared it launched because we don't have the book, but we have projected it on our screen. Dr. Nayak, can you hear us? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. If ever you want to join the academy, we'll offer you a full professorship since you've done 3 books already. Usually 2 books is the minimum I ask for when I'm a selector, but you've already done 3 books. Congratulations, and do come back to IIS when you have the time. I now request Professor N.P. Singh to say a few words about the book. And can you put on your camera, Dr. Nair? We want to see you also. Please put on your camera. And after Professor Nayak, after Professor N.P. Singh says a few words about your book and blesses you and the book, then we invite you to talk about the book. And after that, we move to the poetry session. Thank you so much. Yes. आपको बैठ के बोलना है तो
अच्छा ओल्ड स्कूल के खड़े होके बोलते हमारे जैसे प्रोफेसर परांजपे एंड फेलो फेलोज आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ राइट टू स्टैंड हियर फॉर टू रीजंस वन इज दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू रीड द बुक Dr. Nayak told me that he had sent through his publisher 6 copies to our library, but it has not reached us. And another reason I don't have right to stand here is that the author is present here. But I'm happy our director has already announced that he would be speaking about his own book. As a political science person, I welcome a book on land reforms in India, a topic that for all practical purposes has become a dead horse. And it's remarkable that Dr. Nayak still considers it important to write a book on this topic. Maybe Odisha still has some possibility of land reforms. Even in communist ruled states of West Bengal and Kerala, the incumbent governments, the left front government that ruled West Bengal for 34 long years practically dropped land reforms. And the only land reforms it introduced was not redistributive land reforms, which is the ideology of communist parties. It went for registration of bargadars, as they call it, the tenants or the tenants or sharecroppers. Only the registration of tenants or sharecroppers was on the agenda of the CPI Marxist and the CPI, which were the leading parties in the left front in West Bengal. And the Kerala communist, Left United Front government has also not touched this top subject, probably because Kerala is so densely populated and urban-rural difference has practically disappeared in the state. It doesn't have much land reforms to do. In a state like Bihar, where I come from, land reform was a very topical issue. But after the abolition of Jamindari in 1950, the land reforms done by Congress governments and subsequent governments in Bihar have not really been very successfully implemented, partly because governmental inactivity, and now because of the fact that by now the families, landowners who had substantial land, they are reduced to being very small landholders because families have expanded. I used to be a major landholder in Bihar. Our family owned about 150 bighas of land, but
five of my brothers, cousins, and my own brothers by now, and their children do not have any land ownership to mention. And that is true of the general population of Bihar even more. And therefore, in Bihar by now, there is not much scope for land reforms. Land holdings have become small, and the economy of a scale of farming has become adverse, and therefore, there was a time when, land militias emerged in Bihar. When I was in Canada, I heard about land armies in Bihar. That was the time by which time land was still some significant extent of ownership. By now, there is not much land to distribute, as I said. So maybe Odisha still has some, scope for land reforms, because the ruling parties in Odisha are still led by upper castes. Karnas, Kayasthas, and Brahmins. They are still the ruling castes in Bihar, in the ruling parties there. In Odisha. In other Hindi-speaking states, upper castes have been dislodged from political power beginning with 1967, and the process was completed by 1977. And the OBC, not the Dalits, Dalits have not become so powerful in Hindi-speaking states, except briefly in UP, where a specifically Dalit party became the ruling party, BSP, led by Kansi Ram and Mayawati. But even in UP, the BSP doesn't have a significant hold on power, even though it still continues to have a significant percentage of votes, nearly 20% of votes are thereby. But the fragmentation of the party system in Odisha, in UP, has dislodged the Dalit party from power. And in three states of India, the Dalit percentage of population is higher than in UP, in Himachal Pradesh, in Punjab, and in West Bengal. But none of these states have any Dalit party to mention. The Dalit parties have no a specific presence or a specific power in West Bengal and in Punjab and in Himachal. Land reforms still continues to be a significant topic in Odisha, and that's why Dr. Nayak thought of writing this book. The book, it seems to me, is very ambitious. Today, the trend is to write narrower books with narrower focus, like for example, land reforms in a particular state of India. The book is focused on India as a whole, and the description of the book sent to me by email by Dr. Nayak tells me that it also covers South Asia, land reforms in South Asia. So it's a very ambitious book.
And since I have not read the book itself, I would not be able to say much about the book. Dr. Nayak will tell about the book himself. A few things on land reforms or on this topic that as a political scientist I'd like to speak briefly are the following. I would have been happier if Dr. Nayak had gone into history. He has not gone much into history, going by the brief description of the book, and he has not gone much into political science, it seems to me, because some of the issues that I discussed just now, I don't find in the description, brief description of the book. Now, in independent India, three models of land reforms were presented. Nehru was for cooperative farming in the Awadhi session of All India Congress. A resolution for cooperative farming was moved. Nehru was the architect of that resolution, but Chaudhary Charan Singh of UP, a Jat Congress leader, who was very influential, he was the force behind the defeat of that resolution, which Nehru very much wanted to be adopted. Another idea was given by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Ambedkar was for a state ownership of land. The entire land and farming should be state controlled, much like Soviet Union or China. Dr. Ambedkar was, in other spheres, a liberal democrat, but on land issue, he was a communist, although he never called himself a communist, and no one calls him a communist, but his opinion was for a state-controlled farm and state-controlled land. Now, finally, the kind of land reform that got introduced, I have already briefly mentioned, and therefore there is no point repeating that. In the land in ancient and medieval India was supposed to be owned by the state. There was no private ownership in land, and there was no market in land. It was during the British rule, because there was no market in land, because land was firstly owned by the state, and land was secondly owned by collective village communities. And there was no private ownership or private property in land. It was for the first time that the British introduced private ownership or family ownership instead of community ownership of land, and market in land developed first during the British Raj. In post-Mauryan state, when feudal estates emerged, Jagirdari system was the major system to mention. During the Gupta period, for instance, Samantas were given, transferred, parcelized ownership of territories where they became feudal lords, collecting rents for the state and keeping part of it with themselves and sending part of it to the central state. And the same system continued under the Delhi Sultanate and under the Mughal state. In Delhi, under Delhi Sultanate, Samantas were replaced by Iktadars,
and during the Mughal rule, they were called Jagirdars. The British abolished the Jagirdari system, but they retained the smaller Jamindars, but only in the Bengal Presidency, Bihar, Bengal, Odisha, and perhaps in Assam. In rest of India, the British did not introduce the Jamindari system. The smaller Jamindars were not kept. Jagirdars were abolished. The smaller Jamindars were kept only in Bengal Presidency. And Rayatwari system prevailed in the rest of the country. Now, this history has some relevance for a study of land reform policy of the Indian state after independence. And since the author is himself here, I would not go into other notes I have taken about the book. The book has altogether 8 chapters, and going by the chapters, going through the brief descriptions, I guess the focus of the study is the development of neoliberal idea of individual entitlement of lands. That seems to be the major concern of Dr. Nayak's book, and he seems to have also gone into the gender issue and family ownership of land and other related issues appear to have been gone into. And since the book is published by Sage Publication, it must have gone through blind peer review and revisions, and I assume the book must be a very readable product. I have not known Dr. Nayak beforehand, but he held a conference here, national conference in this institute, in October 2018, in which he very kindly invited me to deliver the keynote address. And that keynote address became my interview for National Fellowship here, because after that keynote address, Professor Paranjpe very kindly honored me by offering National Fellowship here, and he told me that the process of approval may take 4 or 5 months, and I didn't reveal it to anyone until I got the letter. And after about 5-6 months, I came here, and I'm very thankful to Professor Paranjpe, and I'm lucky to be in the midst of this scholarly gathering here. Thank you very much. Dr. Nayak? Please unmute yourself. Yes, sir. Thank you. Good. Yeah. Thank you. Thank you, Professor M.P. Singh, sir, and our respected director, Makran, sir. I'm very proud that my JNU, at the outset, I express my sincere gratitude to Professor Makran, sir, our director, for fast-tracking the communication. When I wrote to him, he was so happy, and I told him, sir, you have been done.
So they Sej wanted to publish, so he gave permission. But I'm very happy that esteemed professor MP Singh sir has spoken few words on my book, and I would have been very happy that the 6 copies would have been reached. Where it is on the way. I thankful to Advan Study for organizing this book launch. So, this is about land titling, as Professor MP Singh sir had said. This is about how to go for secure individual property rights. You are indivisible, free from defect, and land can be transferred or sale, mortgage like a commodity immediately. And Professor MP Singh had rightly said, with the concept of or the notion of private property, secure individual property right in land is absent historically. In fact, sir, as you highlighted in your case, with the reference to highlighted with reference to Bihar, I have mentioned, sir, because without understanding the emerging political problem in land, so we cannot understand what is whose idea, whose interest, whose institution behind land titling. Basically, the book focuses on the so-called individual land titling, the critical examination of the World Bank. It is, you are surprised to know that most of the people do not know that reform by students is taking the last 15-20 years. That today, from Kashmir to Kanyakumari, everywhere our land records are presumed in nature. It is presumed. We are presumed to owner of our property, our household, or the agricultural land. The British have deliberately made our property from presumptive owners. Now, because of compromise and digitization taking place, the central government is taking that we will go for guaranteeing property rights. Whenever we buy land, we go to search it, 10-12 years of ownership, we go for boundary measurement, we ask neighbors, consult lawyers, then we purchase the land. Or if it is any development authority plot, then we go for purchase land. This book is all about guaranteeing land title. Now our government says, what is the need for so many search companies to buy books, to buy land? So you, our district will give guarantee. So you are like mirror system, like mirror would reflect your face. So the property right will be clear, unambiguous. So thanks to digitization, thanks to mapping, so land could be sale and mortgage, so like a commodity. Immediately, on the same day you can sell, and same day you will get pota. And next day you can sell somebody and you get that pota. So, but today, as of now, it takes 2 months to get land ownership. For example, Professor Singh sir will sell the land to Makran sir. It takes minimum 60 days. Individual notice, hearing, the tohsildar will hear, it will issue individual notice. The present policy says, no, it will immediately will remove all these legal covers. So basically, I started the work by this titling. So in fact, I had done my research, and that was published by Cambridge Universal Press, the state and land record modernization. The world's largest digitization of land records taking place in India, overlooking what Professor MP Singh said, and I had criticized the historically complex nature of land titling, Bihar land titling, Odisha land tenure system, and this is Northeast, very, very complex. And so there I found that the objective of land record obsession is land titling. I was surprised because we have read and we know that land obsession is all about land reform. But now the land reform as an object, as an idea, is gone. It is closed. Because now the state lacks political ability, even bureaucrats like us. To enforce the land use. So land use, mutation, land conversion, the purchase and sale of land, registration, these are taken place. These are dominating causes of the collected revenue branches. So first of all, I tend to my land titling. Then I focused, as Professor MP Singh said, perhaps he should have been happy if he would have got the book. There are around 30-40 pages I have highlighted the evolution of property rights in land changes. Why the presumptive nature of land record system? The three tenures like Jamindari, Mahalori, Rayatari, what are the relevance for us to understand this 100 years record?
to understand the present complexity. Then I, in second chapter, highlighted why this single so-called individual property rights system is gaining ground world over. Then third chapter, I dealt with the what is happening to developing countries. So why this developing countries, why developing countries are going after land diving, identified financed by World Bank. The third chapter highlighted that. Then I found driver system in gender issue. So these issues were sidelined when land titling happened. So land titling is all about that you are. Hello? Yeah, we are listening. So, sir, land titling is all about your property rights will be secured, it will be guaranteed by the state. Still today, it is basically we are all presumed. Even if we pay land revenue, even if we pay this purcha, you are not secured. This document are collected, we guarantee that you are all secured. Today, that's why I wrote that it is going to be history, paradigm shift through land record modernization. But Rob Jenkins said, reform by steals. Nobody knows what is happening. Well, it is a technical issue. So nobody understands the land title. Nobody is going to change. Things are going to change. So land will be very soon be commodity. It is there. Commodity is the process of last 100 years. The British have introduced. So this thing I introduced, I wrote in one chapter, I wrote the emerging political economy of land and development. What is happening in rural area? What is happening to urban area? Why this land titling idea came? So that chapter in Bihar, you see so many cases in urban areas in Delhi, in Odisha, and in Noxal, this is there the land questions. In Northeast, there is international land alienation, tribal elites are becoming land more. They are also taking land. The land alienation from poor tribals to rich tribals. So many issues are highlighted based on various tribal populations. Then fifth chapter is all about whatever the proper legal and institutional measures for land titling. What should we look like? What is the present role of the sub-collector, the collector, the survey settlement officer? These should be removed. They should be solely replaced by land titling. Like most countries, I'm sure many professors, the Professor Martin sir and MP Singh sir and many others are there. In Western countries, basically the Western European system of land titling system should be adopted in our country. And how to adopt, why, what is its relevant? Can we adopt that secure guarantee property right? I discussed. Again, sir, land reform and land titling. Yeah. So we have reduced land reform. This land reform is gone. Land reform is no issue. Certainly, Professor, we go for more any program. Ceiling is very difficult.